नमस्कार, दलाल मीडिया पर आपका स्वागत है। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज मार्केट में बुधवार को अकीदत के साथ ईद का त्यौहार मनाया गया। ईद की पूर्व संध्या पर यानी चांद रात्रि को मौलाना ताहिर मदनी, पूर्व डायरेक्टर जामियतुल फलाह बिलरियागंज द्वारा ईद की चांद की तस्दीक करके ऐलान किया गया कि बुधवार को ईद की नमाज ईदगाह में अदा की जाएगी। जैसा कि अलविदा जुम्मा से पहले ही ईद की नमाज का वक्त सुबह 6:30 बजे प्रातः काल तय करके ऐलान किया गया था कि उसी के तहत बुधवार को अल सुबह 5 बजे भोर में ईदगाह में नमाजियों का आने का सिलसिला जारी हो गया और दूर दराज से लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह में इकट्ठा होने लगे और धीरे धीरे घड़ी की सुई ने अपना काम करते हुए 6:30 की तरफ बढ़ रही थी। इस बीच मौलाना इमरान द्वारा नमाजियों के बीच में ईदगाह का हिसाब किताब पेश किया गया तो वहीं लोगों से ईदगाह को और बड़ी बनाने के लिए ज़मीन की खरीदारी करने के लिए अधिक से अधिक चंदा देने की पेशकश की गई। इस बीच रुक रुक कर लोग तकरीर पढ़ते रहे। जितने भी नमाजी थे सभी लोग इस तकरीर को दोहरा रहे थे और रास्ते भर पढ़ते हुए जा रहे थे। जैसे ही 6:25 हुआ, मौलाना इमरान ने मौलाना ताहिर को ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ाने के लिए ऐलान किया। मौलाना ताहिर मदनी ने ईदगाह में उपस्थित नमाजियों से अपील की कि वह लोग ईदगाह के अंदर खड़े होकर अपनी सफ यानी कतारें सीधी कर लें और कोई भी नमाजी ईदगाह के बाहर रोड पर नमाज नहीं पढ़ेगा, क्योंकि ईदगाह में काफ़ी जगह है। जो लोग अंदर नहीं पहुंच पाए थे वो लोग रोड पर ही खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। जैसे ही 6:30 बजा उल फितर की 2 रकात नमाज 6 जायद तकबीरों के साथ मौलाना ताहिर मदनी ने अकीकत के साथ पढ़ाई। उसके बाद खुतबा पढ़ा। खुतबा सुनने के बाद नमाजी ईदगाह से बाहर निकले और एक दूसरे के गले मिले कर बधाइयां दी। इस बीच शांति समिति के मेंबर खासतौर से हिंदू भाई गली चौराहों पर खड़े होकर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे कि कहीं किसी भी अराजक तत्व द्वारा मुस्लिम भाइयों के साथ दुर्व्यवहार न हो जाए, जिससे ईद मनाने में कोई दिक्कत हो। शांति समिति में गोरख प्रसाद, बीरबल प्रजापति, राम विजय यादव, वीरेंद्र विश्वकर्मा, पूर्व चेयरमैन मोहम्मद आरिफ, अजय प्रजापति, जयप्रकाश यादव सहित शांति समिति के अन्य मेंबरों ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई। इसके बाद डॉक्टर उमर साहब के मकान पर पहुंचकर सेवैयाँ खाकर एक दूसरे को बधाइयां दी। इस बीच थाना अध्यक्ष राजकुमार महफोज के साथ अपनी ड्यूटी को अंजाम दिए। मौके का जायजा लेने बिलरियागंज बाजार में सीओ सगड़ी शीतला प्रसाद पांडे व SDM सगड़ी यादवेंद्र सिंह जी मौके पर पहुंचे। इस मौके पर वीडियो बिलरियागंज के अभाव में ADO पंचायत यादवेंद्र पांडे भी मौके पर रहे। वहीं अन्य कर्मचारी भी अपनी ड्यूटी का अंजाम देते नजर आए। ईद के मौके पर नमाज पढ़ने के बाद बच्चों और महिलाओं ने अपनी जरूरत के सामान की खरीदारी किया। इस मौके पर दूर दराज से आकर छोटे दुकानदार अपनी दुकान को सजा कर ईद की शान बढ़ा रहे थे। दलाल मीडिया के लिए आनंद गुप्ता के साथ बिलरियागंज से रोशन लाल की रिपोर्ट।